What's up everyone, welcome back to the channel. Ledger posting में एक part आप लोगों ने already पढ़ लिया जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम लोग ledger में posting करते हैं. आज हम ledger को आगे बढ़ाते हैं और आज के part में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे balancing करते हैं और further उससे कैसे trial balance बनाया जाता है. तो बहुत ध्यान से सीखेंगे, आज का part काफ़ी important होने वाला है और आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा. Without wasting any time, let's begin. लास्ट क्लास में हम लोगों ने लेजर पोस्टिंग सीख लिया, अब मैं आज वहीं से शुरू करने वाला हूं एक बार फिर से. तो जिन लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा उसको यार बहुत ध्यान से देख लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था वो. बट स्टिल आज हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे तीन ट्रांजेक्शन्स की मदद से. सबसे पहली ट्रांजेक्शन मैं लिख रहा हूँ इधर या इधर ही लिख देता हूँ. सबसे पहली ट्रांजेक्शन मैं लिखता हूँ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये आ गया हमारे पास 1 lakh rupees. नंबर टू, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 20,000. नंबर थ्री, सोल्ड गुड्स टू एक्स 10,000. नंबर फोर, रिसीव्ड फ्रॉम एक्स 8,000. ये इस तरीके की चार ट्रांजेक्शन्स आई. आपको एग्जाम में दिया होगा इसके बाद जर्नलाइज पोस्ट देम इनटू लेजर एंड प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस. इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है. अब मेरी बात ध्यान से समझना, हम लोगों ने ऑलरेडी जर्नल एंट्रीज सीख ली हैं. अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके देख लो. लेजर पोस्टिंग भी मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाई थी. अब आज की क्लास में हम लेजर को ही कंटिन्यू करेंगे और ये ट्रायल बैलेंस क्या चीज है इसको सीखने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जर्नलाइज के साथ. पहला काम, आपको एंट्रीज आनी चाहिए. तो मैं फटाफट से रफ में एंट्रीज कर देता हूँ शॉर्ट शॉर्ट में. स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. ये आप लोगों को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आता है 1 lakh 1 lakh. ये एंट्री कर दी, नरेशन लिख लेना. नंबर टू, परचेज गुड्स फॉर कैश, तो एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000. नंबर थ्री है बच्चों हमारे पास सोल्ड गुड्स टू एक्स. सोल्ड गुड्स टू एक्स यानी एक्स का नाम आ रहा है, एक्स है तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है. तो एंट्री बनेगी एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. एक्स के साथ कभी भी नेम के साथ अगर अकाउंट लगाना है तो अपोस्ट्रोफी एस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कितना हो गया 10,000. और लास्ट हमारे पास आ रहा है रिसीव फ्रॉम एक्स. आई डोंट नो ये फ्रेम में आ रहा है नहीं आ रहा है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं. अगर दिख नहीं रहा तो भी आप लिख लेना. रिसीव फ्रॉम एक्स, एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स. कितना पैसा मिला उससे 8,000. तो अगर मैं इन चार एंट्रीज को देखूं, आपने जर्नलाइज कर लिया, अब आपको इनसे लेजर पोस्टिंग करनी होती है. तो लेजर पोस्टिंग के लिए आपको इनके लेजर बनाने होंगे. लेजर बनाने के लिए मैंने क्या बोला था, पहले देखा करो कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं. तो यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, सबसे पहले कैश, फिर कैपिटल. भाई कैश आ गया, अब कैश यहाँ देख लिया करो, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, कैपिटल ये हो गया, और कहीं कैपिटल नहीं है. परचेज यानी एक कैश का अकाउंट बनेगा, एक कैपिटल का बनेगा, एक परचेजेस का अकाउंट बनेगा, और कहीं परचेजेस है नहीं. एक्स और सेल्स, एक एक्स का अकाउंट बनेगा और एक सेल्स का अकाउंट बनेगा. तो इन चार एंट्रीज में टोटल हमारे पास ये 5 अकाउंट्स बन रहे हैं. पांचों अकाउंट बनाए, चलिए मेरे साथ साथ सब लोग 5 अकाउंट्स बनाएंगे. ये हमने ले लिया फर्स्ट अकाउंट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ. यहाँ पे 4 ही बनेंगे फिलहाल, तो हम लोग 4 अकाउंट बना लेते हैं. अकाउंट आपको बनाने आते हैं ना टी शेप, सारे अकाउंट्स हमारे पास कौन से होते हैं टी शेप. इधर अमाउंट लेना है, ये हमारे पास अमाउंट आ गया. एक छोटा सा कॉलम बनाना है जर्नल फोलियो का, उसके बाद डेट और पर्टिकुलर्स, ये डेट का कॉलम और पर्टिकुलर्स का कॉलम. सिमिलरली डेबिट में भी अमाउंट,
अमाउंट के बराबर में एक छोटा सा कॉलम जर्नल फोलियो, उसके बाद डेट और पर्टिकुलर्स, डेट और पर्टिकुलर्स। इस तरीके से हम लोग सबसे पहले अकाउंट्स बना लेंगे, करेक्ट। अब देखो अकाउंट्स में हमारे पास इधर लिखना है डेट, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, ये मैंने सब लास्ट लेक्चर में बताया, जर्नल फोलियो अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो अमाउंट, इन सब में आप ये फिलिंग्स कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं पहली ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग के साथ। क्या करना है, कैश के डेबिट में 1 लाख, कैश के डेबिट में, सपोज ये मेरे पास, ऊपर से शुरू कर रहा हूँ, ये कैश अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट, ध्यान रखेंगे इधर डेबिट इधर क्रेडिट मेंशन करना है हर अकाउंट के ऊपर। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, फॉर द पीरियड, कौन से टाइम पीरियड के लिए हम बना रहे हैं, उस पर्टिकुलर मंथ या ईयर का नाम। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल के बाद परचेजेस अकाउंट, ये हमने परचेज का अकाउंट बना दिया। उसके बाद हमारे पास आया एक्स का अकाउंट, ये हमने एक्स का अकाउंट बना दिया। सेल्स की ज़रूरत है, अभी इधर बना दूंगा जब मैं ये ट्रांजेक्शन्स हटा दूंगा, ठीक है। चलो पोस्ट करते हैं, अभी हटा देते हैं इन ट्रांजेक्शन्स की। जर्नल तो हमने कर ही लिए, नोट डाउन आपने कर ही लिया होगा। यहाँ पे हम लोग लास्ट अकाउंट बना लेते हैं एक, कौन सा बच गया है, सेल्स का, सेल्स का बचा है ना, ये हम लोगों ने सेल्स का अकाउंट बना लिया। ये आ गया डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, ये हमारे पास हो गया कौन सा अकाउंट, सेल्स। चलिए अब कैश के डेबिट में 2 कैपिटल, तो कैश के डेबिट में लिखूंगा मैं 1 लाख, कैश के डेबिट में आ गया। कैपिटल के क्रेडिट में आ गया, कैपिटल के क्रेडिट में 1 लाख, पोस्ट कर दिया। अब ये जो कैश है ये बेसिकली किस वजह से डेबिट हुआ है, किस, इसके सामने कौन है, नेम सामने वाला चलता है, कैपिटल, तो यहाँ लिखेंगे 2 कैपिटल अकाउंट, डेट आप खुद डाल लेना। अब यहाँ कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ है, इसके सामने कौन है, कैश, तो क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट, ये भी हो गया। इसके बाद परचेज डेबिट हो रहा है और कैश क्रेडिट हो रहा है, तो परचेज के डेबिट में 20,000, परचेज के डेबिट में इस साइड 20,000, और कैश के क्रेडिट में 20,000, कैश के क्रेडिट में 20,000। परचेज का डेबिट तो मैंने डेबिट में ही लिखा, कैश का क्रेडिट तो क्रेडिट में ही लिखा, नेम कौन सा, अपोजिट साइड वाला, परचेज के डेबिट में 2 कैश, 2 कैश अकाउंट, और कैश के क्रेडिट में बाय परचेजेस अकाउंट। इस चीज के लिए मैं आपको फिर बोलूंगा, पिछला वाला वीडियो जरूर देख लेना। अच्छा अगला, एक्स के डेबिट में 10,000, एक्स के डेबिट में 10,000, सेल्स के क्रेडिट में 10,000, सेल्स के क्रेडिट में 10,000, एक्स के डेबिट में क्या आएगा, 2 सेल्स अकाउंट, और सेल्स के क्रेडिट में क्या आएगा, बाय एक्स, ठीक है। फिर कैश के डेबिट में 8,000, कैश के डेबिट में 8,000, एक्स के क्रेडिट में 8,000, एक्स के क्रेडिट में 8,000, यहाँ पे क्या चलेगा, कैश में 2x, और एक्स में क्या चलेगा, बाय कैश, सामने सामने वाले हमने नाम लिखने हैं। ये हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेजर पोस्टिंग। अब हम लोगों को जर्नल एंट्री करनी थी, हमने कर दी, पोस्टिंग करनी थी, हमने कर दी, अब हमें एक ट्रायल बैलेंस भी बनाना है। अब हमें क्या बनाना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है। देखो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस एक वो स्टेटमेंट है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये एक स्टेटमेंट है, इट इज नॉट एन अकाउंट। बहुत सारे टीचर्स आपसे वाइवा में पूछेंगे कि ट्रायल बैलेंस अकाउंट है, आप आंसर करोगे नो, लिख लेना अपनी कॉपीज में, ट्रायल बैलेंस एक अकाउंट नहीं है, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जो हमें ये चेक करके बताता है कि हमने जो लेजर पोस्टिंग करी है क्या ये अरिथमेटिकली ठीक है, क्या इनको हमने जो अमाउंट लिखा है वो ठीक लिखा है या नहीं लिखा है, प्लस वो लेजर की एक समरी है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, लेजर की बिल्कुल एक समरी होती है कि बेसिकली अगर मुझे यहाँ से देखना हो कि मुझे मेरे पास कैश में टोटल पैसा बचा कितना, तो क्या मैं अकाउंट देख के बता पा रहा हूँ, मुझे अभी नहीं समझ में आ रहा, कुछ इधर लिखा है कुछ उधर लिखा है, तो अगर मुझे एक ही जगह पे देखना हो कि कैश में मेरे पास क्या अमाउंट है तो वो मैं ट्रायल बैलेंस से देख सकता हूँ। सिमिलरली मेरे पास कैपिटल में क्या अमाउंट है, सिमिलरली मेरा परचेजेस में क्या पड़ा हुआ है, सिमिलरली एक्स है, एक्स से क्या लेना है या क्या देना है ये पता चल जाएगा, सेल्स का हिसाब किताब पता चल जाएगा। मतलब अगर मुझे शॉर्ट में इमिडिएटली बहुत फास्ट ये देखना है कि मेरा कहाँ कहाँ पे कितना कितना बैलेंस है,
तो वो हम ट्रायल बैलेंस की मदद से देख सकते हैं। अब ट्रायल बैलेंस बनता कैसे है सीख लो जल्दी से। ये भी ये हमने जर्नल एंट्रीज कर ली थी ना सारी, सबसे पहला काम एंट्रीज करना होता है। अब एंट्री करने के बाद आप एक ट्रायल बैलेंस बनाओगे। देखो ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास सीरियल नंबर, इसमें कोई डेट नहीं होती, ध्यान रखना इसमें डेट नहीं होती, सीरियल नंबर। उसके बाद कई बुक्स में पर्टिकुलर्स लिखा है यहाँ पे, और कुछ बुक्स में यहाँ पे नेम ऑफ अकाउंट लिखा है, तो आप जो चाहो लिख सकते हो पर्टिकुलर्स नेम ऑफ अकाउंट जैसे आपको ठीक लगे। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे LF लेजर फोलियो, क्योंकि ये लेजर से आते हैं बैलेंसेस। उसके बाद डेबिट अमाउंट, डेबिट बैलेंस वाले। उसके बाद क्रेडिट अमाउंट, जिनका क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है। लेकिन ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हमें लेजर की बैलेंसिंग सीखनी ज़रूरी है, तो सबसे पहले बैलेंसिंग सीखो। ये बैलेंसिंग कैसे होगी, देखो हम लोगों को क्या देखना है, हमें देखना है कि लेजर में दोनों साइड में से ज़्यादा बैलेंस किस तरफ है, ज़्यादा टोटल किस तरफ है। देखो इधर है 1 लाख और 8 और इधर है सिर्फ 20,000, तो यानी ये लेफ्ट वाली साइड में मुझे 1,08,000 दिखाई दे रहा है और इधर ओनली 20,000 दिखाई दे रहा है। तो ज़्यादा कौन सी साइड में हुआ, डेबिट साइड में हुआ। तो जो ज़्यादा वाली साइड है उसका टोटल आपको सबसे पहले दोनों साइड में लिखना है, जो ज़्यादा वाली साइड है उसका टोटल दोनों साइड में लिखना है और अकाउंट में डबल लाइंस कर देनी है, डबल लाइन कर देनी है। अब आप देखो कि इधर है 1,08,000 और इधर है बस 20,000, इधर कितना बच रहा है 20,000। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट इस 1,08 में से ये 20 माइनस करना है, तो यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा। इसको लिखना है बाय बैलेंस सीडी, सीडी का मतलब होता है कैरिड डाउन, सीडी का मतलब क्या होता है कैरिड डाउन। तो 1,08,000 माइनस 20,000 अल्टीमेटली ये बचेगा हमारे पास 88,000, ठीक हो गया। अब देखो जैसे ही ये मैंने बैलेंस निकाला, ये टोटल अपने आप ही इनका भी 1,08,000 मैच हो गया, टोटल अपने आप ही कितना मैच हो गया 1,08,000। दोबारा से सीखो, सबसे पहले दोनों साइड का टोटल कर लो अपने पास रफ में, जो ज़्यादा वाला है वो आपको दोनों साइड के टोटल में लिख देना है, फिर इधर वाले अमाउंट में से कम वाला अमाउंट माइनस करके बैलेंस निकाल लो कि बचा हुआ इतना बैलेंस है, ठीक हुआ। अच्छा अब सिमिलरली ऐसे ही कैपिटल का देखो, कैपिटल है इधर 1,00,000, इधर है ही कुछ नहीं, तो अपने आप ही टोटल बस 1,00,000 ही होगा, ज़्यादा वाला यही है क्योंकि इधर तो जीरो है, दोनों साइड 1,00,000 लिख देंगे, दोनों साइड 1,00,000 हो गया। अब आपको क्या करना है कि इधर 1,00,000 इधर जीरो, तो बैलेंस बस 1,00,000 बचा, 1,00,000 माइनस जीरो, इसको लिखूंगा 2 बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। सिमिलरली परचेजेस में देखो, इधर कुछ नहीं है जीरो है, तो बस ये भी 20 और टोटल भी 20, तो मेरे पास बैलेंस कितना आ गया, इसको लिखूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 20 माइनस जीरो 20,000। अच्छा अब x में देखो, x का इधर 10,000 है इधर 8,000 है, ज़्यादा वाला कौन सा है 10, तो दोनों साइड टोटल लिखेंगे 10। अब ज़्यादा वाले में से कम वाला माइनस कर दो, 10 माइनस 8, तो बैलेंस कितना बचा इधर बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2,000 रुपीज़, 2,000 का ये बैलेंस बच गया। सेल्स में अगर देखूँ तो बस 10,000 है, तो इस 10,000 में से टोटल तो 10,000 आ जाएगा, इधर वाला पार्ट इधर जीरो है कुछ नहीं है हटा दूं, तो 2 बैलेंस कैरिड डाउन आ गया मेरे पास 10,000, ये आ गया। अब आपको क्या करना होता है, आप लोगों को इन बैलेंसेस के नाम पता होने ज़रूरी हैं। देखो मुझे एक बात बताओ, सपोज मेरी पॉकेट में मैं एक दो साइड ले लेता हूँ, एक डेबिट साइड ले लेता हूँ एक क्रेडिट साइड ले लेता हूँ। सपोज मेरी पॉकेट में 10,000 रुपीज़ हैं, मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि डेबिट साइड पॉजिटिव साइड है, मेरी पॉकेट में 10,000 रुपीज़ हैं जिसमें से मैंने 5,000 खर्च कर लिए, 5,000 माइनस कर दिए, तो माइनस वाली साइड ये है, यहाँ मैंने 5,000 लिख दिया। अब मेरे पास जो बैलेंस बचेगा, आप खुद सोचो कि मेरी इधर पॉकेट में 10,000 है, मैंने स्पेंड कर लिए 5, तो मेरे पास 5 और बच गया, 5 बच गया या नहीं बच गया, तो मेरे पास जो बैलेंस बचा वो 5 बचा। अब इन दोनों साइड को मैच करने के लिए हम लोग दोनों साइड यहाँ 10 10 इधर लिखने के लिए ये बैलेंस हम लोग इधर लिखते हैं क्रेडिट में,
बट अगर एक्चुअल में देखा जाए तो बचा तो ये बैलेंस पॉजिटिव का ही है ना। पॉजिटिव का कैसे बचा है कि भाई मेरे पास टोटल 10 थे, इधर इसमें से 5 स्पेंड हो गए, तो मेरे पास इसी के तो 5 बचे, अल्टीमेटली 5 तो यही बचे। तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा इस कैरेट डाउन को दूसरी साइड ब्रॉड डाउन करके चलते हैं। ये मैंने आपको कैश बुक में भी सिखाया था कि जो कैरेट डाउन हुआ है उसको ब्रॉड डाउन करा करो अगले मंथ में। तो जब मैं इसको ब्रॉड डाउन करूंगा तो ये इस साइड ब्रॉड डाउन होगा, दूसरी साइड क्या लिखूंगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये ब्रॉड डाउन हो गया 88,000। सिमिलरली ये किधर ब्रॉड डाउन होगा, ये ब्रॉड डाउन होगा इस तरफ बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना 1 लाख। ये बैलेंस इधर आया था तो ये ब्रॉड डाउन इधर होगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन करने का मतलब होता है नेक्स्ट ईयर में लेके जाना इसको, या नेक्स्ट मंथ में लेके जाना 20,000। ये इधर आया तो ये ब्रॉड डाउन इधर होगा 2,000, क्या लिखूंगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, अब ये कैरिड डाउन इधर हुआ था तो ये ब्रॉड डाउन इधर होगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना 10,000। ये चीज मैंने आपको कैश बुक में भी सिखाई थी कि बैलेंस को हमेशा ब्रॉड डाउन करा करो, कैरेट डाउन से दूसरी साइड में लेके आना है आपको ब्रॉड डाउन। ठीक हो गया, अब आपको ये देखना है कि ये ब्रॉड डाउन कौन सी साइड में हुआ है, ये ब्रॉड डाउन कौन सी साइड में हुआ है, ये ब्रॉड डाउन हुआ है डेबिट साइड में, तो इसको मैं बोलूंगा डेबिट बैलेंस। इसको क्या बोलूंगा, डेबिट बैलेंस। ये कौन सी साइड में ब्रॉड डाउन हुआ है, ये ब्रॉड डाउन हुआ है क्रेडिट में, तो इसको मैं बोलूंगा क्रेडिट बैलेंस। ये कहां ब्रॉड डाउन हुआ है, ये ब्रॉड डाउन हुआ है डेबिट में, तो इसको क्या बोलूंगा, डेबिट बैलेंस। ये कहां ब्रॉड डाउन हुआ है डेबिट में, तो इसको क्या बोलेंगे, डेबिट बैलेंस। उसके बाद ये कहां ब्रॉड डाउन हुआ है क्रेडिट में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट बैलेंस। अब आपको पता चल गया कौन सा डेबिट और कौन सा क्रेडिट, बस अब आपको इसकी पोस्टिंग करनी है इस ट्रायल बैलेंस में। इसको कहां लिखना है, ट्रायल बैलेंस में। तो ट्रायल बैलेंस में आपको सीरियल नंबर डालने हैं कि कितने नंबर ऑफ अकाउंट्स हैं। नंबर ऑफ अकाउंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो मैं लिखूंगा 1, 2, 3, 4, 5, वी हैव 5 अकाउंट्स। कौन कौन से, कैश, कैपिटल, परचेजेस। सबसे पहले कैश, फिर कैपिटल, फिर परचेजेस। परचेजेस के बाद एक्स का अकाउंट है और उसके बाद सेल्स। ये आ गया, ये हमें पता चल गया। अब आपको देखना है कि बैलेंस कौन सा है इसका, इसका डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में लिख दो 88,000। कैश का क्योंकि डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में लिख दो। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है 1 लाख, तो हमें 1 लाख क्रेडिट में लिखना है। ट्रायल बैलेंस कुछ भी नहीं है, बस एक फाइनल अमाउंट बता रहा है कि मेरे पास कैश का बैलेंस 88 बचेगा, कैपिटल का 1 लाख बचेगा। बस मेन बात यह है कि आपको बैलेंसिंग करनी आनी चाहिए। बैलेंसिंग करने के बाद उसको ब्रॉड डाउन करो, जिस तरफ वो ब्रॉड डाउन हुआ। अगर वो डेबिट में ब्रॉड डाउन हुआ तो उसको डेबिट बैलेंस बोलोगे, क्रेडिट में ब्रॉड डाउन हुआ तो क्रेडिट बैलेंस बोलोगे। बस सिंपल, ये ध्यान रखना। अच्छा, परचेजेस डेबिट में आया तो 20,000 हम डेबिट में लिख देंगे। एक्स डेबिट में आया 2,000, डेबिट में लिख दूंगा 2,000। सेल्स आ गया मेरे पास 10,000 क्रेडिट में, तो मैंने इसको 10,000 क्रेडिट में लिख दिया। अब हम लोगों को क्या करना होता है, हम लोगों को इस ट्रायल बैलेंस को हमेशा मैच करना होता है। तो इस ट्रायल बैलेंस का टोटल करेंगे, इस ट्रायल बैलेंस का क्या करते हैं हम लोग, टोटल 88 और 2 90, और 90 और 20 1,10,000। अगर ये ट्रायल बैलेंस आपका मैच हो गया जैसे ये अभी हो रहा है, तो इसका मतलब आप एरिथमेटिकली बिल्कुल करेक्ट हो, मैथमेटिकली आपने ये सब कुछ बिल्कुल करेक्ट बनाया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बात समझे मेरी। सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ सबसे पहले क्या करना होगा, जर्नल पास करना होगा। जर्नल करने के बाद लेजर बनाओ। लेजर पोस्टिंग से आपको बैलेंसिंग करनी आनी चाहिए। बस सिंपली बैलेंस निकालो, बैलेंस जिस साइड भी कैरिट डाउन हुआ, जिधर भी कैरिट डाउन हुआ उसका अपोजिट साइड ब्रॉड डाउन होगा। देखो ये इधर कैरिट डाउन हुआ तो अपोजिट साइड ब्रॉड डाउन हो गया, ये इधर कैरिट डाउन हुआ अपोजिट साइड ब्रॉड डाउन हो गया। जहां भी आपका बैलेंस कैरिट डाउन हो रहा है उसका अपोजिट साइड आपको ब्रॉड डाउन करना है, जिधर भी। ये डेबिट में कैरिट डाउन हुआ तो इधर ब्रॉड डाउन हो गया। ब्रॉड डाउन करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि बैलेंस कौन सी साइड का है। जिस साइड का वो बैलेंस है उस साइड ट्रायल बैलेंस में लिख दो। अब ट्रायल बैलेंस देखो मुझे क्या शो कर रहा है, ट्रायल बैलेंस मुझे साफ साफ शो कर रहा है कि मेरा कैश में 88,000 रुपीज मेरे पास है। देखो 88 ही तो है। कैपिटल कितना है 1 लाख, परचेज कितना 20, एक्स का बैलेंस कितना
2000। अब देखो मुझे यहां से नहीं पता चल रहा था कि मुझे एक्स से और कितने पैसे लेने, लेकिन अब पता चल गया कि एक्स से मैंने 2000 रुपीज लेने, यहीं से देख के बता सकता हूँ। सिमिलरली सेल्स मैंने कितने की कर दी है, 10,000 की। परचेजेस कितने की हो गई है, 20,000 की। तो ट्रायल बैलेंस आप एक ही नजर में देख के बता सकते हो कि आपकी कितनी कौन कौन सी चीज आपके बिजनेस में इफेक्ट हुई है। वेरी सिंपल। तो इस तरीके से ये तीनों चैप्टर्स लिंक होते हैं, जर्नल एंट्रीज, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस आज मैंने आपको एक तरीके से समझाया। अब ट्रायल बैलेंस को करने का एक तरीका और होता है। एक तो ये होता है कि आप लोगों को लेजर से ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करना होता है। कई बार आपको लेजर गिवन नहीं होता, आपको लेजर नहीं गिवन होगा, बस आपको बैलेंसेस दिए होंगे, सीधा सीधा ये बैलेंस दिए हुए होंगे, निकाल के बैलेंस दिए हुए होंगे। तो आपको इन बैलेंस को देख के ट्रायल बैलेंस बनाना होगा। तो वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि स्पेसिफिकली डेडिकेटेड होगा ट्रायल बैलेंस को। आज का क्लास हमारा लेजर पोस्टिंग एज वेल एज ट्रायल बैलेंस कंबाइंड रहा। लेजर पोस्टिंग का एक पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उसको ध्यान से देख लेना। अगर नहीं देखोगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो वो भी बहुत ध्यान से देखना है। उसके बाद ये देखना है, फिर नेक्स्ट वीडियो जो कि आपको कल ही मिल जाएगा उसको ध्यान से करना है। कल या डे आफ्टर टुमारो, कल नहीं, कल मुझे थोड़ा सा काम है, तो डे आफ्टर टुमारो आपको वीडियो मिलेगा। दैट विल बी पार्ट 3 ऑफ दिस लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। तो ध्यान से समझ लेना और हमारा टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। तो दिस इज इट फॉर टुडे। होपफुली आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। स्टिल कोई डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।